आज देखिए बाबा का जड़ी बूटी पे दिल धड़कन बीमारी का जड़ से इलाज, केवल बाबा का जड़ी बूटी। यही वो पत्थर है दोस्तों, अब देखिए इस पत्थर को पहचानिए जिसका दिल धड़कता है। ये पत्थर पहनने से बहुत लाभ मिलता है, आप इसको लाल धागा में पहन सकते हैं इस पत्थर को, जो कि बहुत फायदेमंद साबित होता है। यही वो पत्थर है, इसको बढ़िया से धो के पूजा पाठ के घर में रख के एक दिन अगरबत्ती दिखा के उसके बाद इसको 5 बार प्रणाम करके पहना जाता है। देखिए भाइयों, ये टहकार है, किसी भी भाई बंधु को अगर कान में टीस मारता है, कान में दर्द होता है या कान में धीरे धीरे पीप निकलता है, उसके लिए ये टहकार है, इसी का नाम है टहकार। देखिए गोल फल है, लाल फल है, ये जंगल झाड़ में होता है, कोई गाछ वृक्ष पर इसका लत्तर जो होता है ये फरता है, इसी का नाम। इसका बिच्चा देखिए कैसा होता है, देखिए इसका बिच्चा काला है, सीधा करो ना, देखे दो भाग करी दो, साफ लगते दो भाग करी दो, आदमी पता चलते तो नहीं। देखिए इसका बिच्चा काला है, इसका बिच्चे का दवा बनता है, सरसों तेल में पकाकर और कान में 2 बूंद सवेरे, 2 बूंद 4 बजे मुंह में कसेली लेकर चिबाने से भीतर में कान में दर्द में काम आता है, इसका नाम है टहकार। चीन लीजिए, जान लीजिए, फल इसका लाल होता है, बिच्चा काला होता है, आप बनाइए बताइए। यह है भाई बालम खीरा, बालम खीरा पथरी के लिए और गैस के लिए, गैस से जो दर्द हो जाता है उसके लिए ये बालम खीरा है। बालम खीरा कच्चा मिले, पीस कर खाने से पेट को हीरा बना देता है, और सूखा बालम खीरा जो है इसको खाने से और पपीते का जड़ के साथ में पीस कर पीने से पथरी ही गल जाता है। ये बालम खीरा पेट को करेगा हीरा, बराबर खाते रहिएगा, कोई बीमारी पेट के अंदर में नहीं होगा, इसी का नाम है बालम खीरा। ये 10 किलो, 5 किलो, 4 किलो, 1 किलो का भी होता है, गाछ में फरता है, बहुत मोटा रहता है। ये तो 8 किलो का था तो सूख साख करके ये लक्कड़ हो गया है, तो काम ये सूखा हुआ भी आ सकता है ना। हाँ देखिए ऐसा होता है, काट काट के इसको बनाया जाता है, दवाई के उपयोग में लाया जाता है। हाँ तो की बाबा से जो दवाई ले जाओ तो इलाज बढ़िया हो जाओ दवाई से। हाँ होले तो फायदा हाँ। कुछ छे फायदा छे तो मतलब कि फायदा बुझेलो, इसीलिए फिर दवाई ले ले लो। हाँ अच्छा, गैस्टिंग रो दवाई ले ले लो जो। हाँ देखिए दोस्तों, यह है बाबा, लाल बाबा जिसको बोलते हैं, और यह है आपका कस्टमर जो कि आपको दे रहा है सबूत की मतलब ठीक हुआ है, मतलब बढ़िया से राहत छ नहीं छे। ठीक छे, ठीक छे, ला दवाई और फिर जश्न होते बतइयो। ठीक।